जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी फिल्म हरियाणा अपन के तैयार है और उसी का लॉन्च के लिए इवेंट है। हमारी कास्ट आप देख सकते हैं ये सामने, यश टॉक, अश्लेषा सावंत, रॉबी मेड, मोनिका शर्मा, आकर्षण सिंह, ये हमारे मुख्य भूमिका में। और थोड़ा सा मैं हरियाणा की कहानी के बारे में बताना चाहूँगा। मैं हरियाणा जो ये कहानी है ये हरियाणा प्रदेश को हम काफ़ी तरीके से जानते हैं। आप भी लोगों ने भी देखा होगा हरियाणा के जो लोग हैं वो, क्योंकि एक एग्रीकल्चर स्टेट है तो काफ़ी खेती बाड़ी के अंदर काफ़ी लोग होते हैं। हमारी इंडियन फोर्सेस के अंदर हरियाणा के लोग बहुत पाए जाते हैं, नेवी हो चाहे आर्मी हो या एयरफोर्स हो, पुलिस कर्मी बहुत होते हैं हमारे हरियाणा से, और मेडल्स तो लेके आते हैं ये हरियाणा के लोग, वो सब जानते हैं, आपने पिक्चरें भी देखी है उसके ऊपर, दंगल, सुल्तान। पर बहुत कम लोग हैं जो हरियाणा के लोगों की रोमांटिक लाइफ के बारे में जानते हैं कि हरियाणा का आदमी प्यार कैसे करता है, उस बारे में उसकी क्या विचारधारा होती है। तो हमारी जो फिल्म है ये दर्शाती है हरियाणा के लोगों की रोमांटिक लाइफ को। जिनसे मोहब्बत करते हैं फिल्म में, उसका नाम है अश्लेषा सावंत, इनके कैरेक्टर का नाम है बिमला, और दूसरे भाई, दूसरे नंबर पे भाई है हमारे मोस्ट हैंडसम रॉबी मेड, इनके किरदार का नाम है जयवीर, और ये जिनको दिल पे बैठे हैं पिक्चर में उनका नाम है मोनिका शर्मा, ब्यूटीफुल मोनिका शर्मा। और तीसरे नंबर पे आपने देखा होगा जिसको प्यार होता है आलिया भट्ट से, हमारा जुगनू आकर्षण से। तो ये हमारे हमारे साथ में हमारे हैं क्रिएटिव प्रोड्यूसर स्वप्निल जयकर, और हमारी कॉस्ट्यूम डिजाइनर रेणु खात्याम, और हमारे म्यूजिक प्रोड्यूसर और हमारे बैकग्राउंड म्यूजिक हीरो ने दिए हैं गुरु धनोवा, इनके पार्टनर मोहित पाठक यहाँ पे नहीं है सर। हमारी फिल्म को रंग भरे हमारी फिल्म के अंदर कलर्स ने दिए जोनी लाल जी, वो अनफॉर्चुनेटली उनकी ये आखिरी पिक्चर थी, हमने कोविड में उनको खो दिया। और ऑल्सो हमारे जो प्रोडक्शन डिजाइनर थे राजू साहब के, वो भी हमारे साथ लगे हैं, उनके एक हादसे में मृत्यु हो गई, और तो ये फिल्म हमारी उनको श्रद्धांजलि है। और संतोष झा हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, संतोष जी प्लीज। भाई सब ने ये पिक्चर में बहुत मेहनत की हुई है, बहुत प्यार से और बहुत प्रेम के साथ ये फिल्म बनी है, और मैं चाहता हूँ भाई ऑडियंस देखे उतना ही प्रेम हमें वापस। हाय, आई होप यू ऑल आर हैविंग अ गुड टाइम, और मैं चाहती हूँ कि आप सब ये डेट याद रखें 5 अगस्त हरियाणा के नाम से, और हमारी फिल्म जरूर देखें, आपको पसंद आएगी, हमें फीडबैक भी दीजिए और बस थोड़ा प्यार दिखाइए। हेलो, आई होप सबको ट्रेलर अच्छा लगा होगा। ये मेरी आकर्षण नहीं हुई, इसमें हमारी पहली फिल्म है, प्लीज़ जितना ज़्यादा प्यार आप दिखाएंगे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज़ बहुत थैंक यू। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच संदीप सर, सर एक्सेप्ट ही करते हैं लेकिन सर ने बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म बनाई है, बहुत ही प्यार से इसमें उनका पूरा हार्ट और सोल एवरीथिंग जो आपको दिख रहा है ऑलरेडी ट्रेलर में, और हमने सबने खूब मेहनत की है, चाहे वो यहाँ पे एक्चुअली सब लोग हैं, तो प्लीज आप देखिए और हमें बताइए आप कैसे लगे, थैंक यू सो मच। देखिए हमने उनकी टीम को हमारा जो पूरी फिल्म का जो सब्जेक्ट है वो सुनाया गया, और आलिया भट्ट की टीम को, तो ऑब्वियसली ऐसे कोई हम किसी के ऊपर फिल्म बनाएंगे तो ऐसे नहीं बनाएंगे, तो सारी उनकी टीम को दिखाया गया, उन्हें सब्जेक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी तभी उन्होंने इसके लिए हाँ की। और
आलिया भट्ट को भी हमने, हमारा ये एक ट्रिब्यूट है, हम, मैं आलिया भट्ट का बहुत बड़ा फैन हूँ और हमारी टीम में मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं है जो उनका फैन नहीं है, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मेरे ख्याल से आई डोंट नो वी शुड से नो, शी इज़ अ वेरी वेरी गुड हार्टेड पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती है जो भी नए लोग आ रहे हैं या उनके फैंस हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं। तो ये फिल्म जो हमारी है वो उनको एक ट्रिब्यूट है। हमने उनका फिल्म का उनका नाम इसलिए इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि हमारी कोई प्रमोशंस हो और ऐसा नहीं, नहीं, हमारे कैरेक्टर को उससे प्यार हुआ। मुझे बहुत गर्व है कि हमारे कैरेक्टर को आलिया भट्ट से प्यार हुआ क्योंकि उससे प्यारी मेरे ख्याल से अभिनेत्री है इस वक्त। हरियाणा सरकार से हमने योगदान पूरा है उनकी तरफ से, हरियाणा सरकार से हमको, हरियाणा में सब्सिडी भी शुरू कर रहे हैं वो लोग जो कि अंडरवे है और वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, तो हमारी फिल्म उसके लिए हमने एप्लीकेशन दे दी है एंड होपफुली वी विल गेट फाइनेंशियल सपोर्ट ऑल्सो फ्रॉम देम। एंड हरियाणा के जितने लोग हैं, जहाँ भी हमने शूट किए हैं, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट के लोग थे, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हमारी मदद की थी, पुलिस प्रोटेक्शन हो या हमको वहाँ पे शूटिंग लोकेशंस हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला हमको हरियाणा गवर्नमेंट से। एंड आई एम होपिंग कि इसके बाद में ये एक हमारा जो स्टेट है हरियाणा, ये बाकी लोगों के लिए भी खुले ताकि बाकी लोग भी जाके वहाँ पे शूट कर सकें। बहुत ही प्यारी लोकेशंस हैं और बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव लोग हैं वहाँ पे फिल्म्स को लेके। मैं देखो स्पेशली बढ़ाई है मैंने नहीं नहीं भाई बहुत बहुत अहमियत है। मैंने ये फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद मुझे उड़ा दी थी, अभी प्रमोशन के लिए वहाँ जाना है, तो मैंने बोला नहीं भाई बढ़ानी ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं है तो कहीं ना कहीं सिर्फ अगर शहरों को छोड़ दें और थोड़े से हम टाउन और गाँव की तरफ जाते हैं, लोग एक्चुअली मूछे रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये मूछे यश की वजह से है, यश मूछों की वजह से नहीं है।